Now, as people line up at petrol bunks in some locations, my colleague Ranveer and Amritanshri report from the ground. Take a look. देश में हिट एंड रन केसेस को लेकर के भारतीय न्याय संहिता में बने नए प्रावधानों को लेकर के देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और यहां भी आप देखिए तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के नए प्रोविजंस को लेकर के, जिसमें 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मेरे साथ तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने कल भी प्रदर्शन किया, आज भी प्रदर्शन पे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित जी, ये बताइए, ये बेसिकली आप लोग की मांग क्या है? मांग ये जो नया ये जो कानून बनाया गया है ड्राइवरों के लिए, ये ड्राइवरों के लिए बिल्कुल अमान्य है। बेचारे ये छोटी छोटी तनख्वाह 8,000, 9,000, 10,000 की तनख्वाह में ये 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए कहाँ से जमा करेंगे? और जो एक्सीडेंट होते हैं और मार करके जो भागते हैं वो शहरों में कार वाले भागते हैं, ये लोग ड्राइवर लोग नहीं भागते हैं। इनकी तो गाड़ियाँ हाईवे पर चलती हैं और जब चलती हैं तो अगर कभी ठुकते हैं तो गलतियों से ठुकते हैं, आप जानकर के कोई नहीं ठुकता उसको। जो कब तक रहेगी हड़ताल? अभी तो 3 तारीख तक है, इसके आगे अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और हमारे जितने भी ड्राइवर हैं, ये हमें लगता है कि आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा उत्सव आया है जिसमें ड्राइवर ने अपने आप हड़ताल की है और उसमें हमारे सारे संगठन जुड़ चुके हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक के जितने भी संगठन हैं सब लोग जुड़ गए, हम ड्राइवरों के बिल्कुल साथ हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, ड्राइवरों के हित में नहीं होगा, तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। खास तौर तो ये पेट्रोल डीजल सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं चलेंगे, सब हड़ताल है। टैंकर भी हड़ताल पे हो गए कल शाम से। हाँ, सब्जी का तो ये माहौल था कि कल ही सब्जी का असर आ गया बाजार में। आप अगर कल सब्जी मंडी गए हो और परसों गए हो तो एक दिन के अंतर में आप ये समझ लीजिए 5 से 10 रुपए का फर्क आ गया है। और हम लोग दूध के भी टैंकरों से बात हो रही है, वो भी हड़ताल करेंगे। हड़ताल का जो है काफ़ी ज़्यादा असर मध्य प्रदेश में, और उसकी वजह से जो है खास तौर से अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको लेकर जो है उस पर खास तौर से असर पड़ना शुरू हो गया और आम जनता इसको लेकर परेशान हो रही है। भोपाल के ही एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं, कतारों में लोग खड़े हुए हैं। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ कार्स ही कार नज़र आएंगी, जो कि लोग जो है वो सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। वजह यह है कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनके पास अब जो है ज़्यादा स्टॉक नहीं आ रहा है, क्योंकि हड़ताल के कारण जो है ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से रुका हुआ है, तो जो पेट्रोल नहीं आ पा रहा है। हालांकि भोपाल कलेक्टर ऐसा दावा कर रहे हैं कि डिपो में अच्छा खासा स्टॉक अभी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जो है पता चल रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और सुबह से लेकर शाम तक, ये देखिए सिर्फ अभी के हालात नहीं है, सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर जो है इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। कल राजधानी भोपाल के करीब 15 पेट्रोल पंप की जो हम कह सकते हैं वो ड्राई हो गए थे, और इसी कारण जो है लोग खासा परेशान भी हो रहे हैं, सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। 2 घंटे से खड़े हुए हैं, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर? बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा। कभी पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, कई जगहों पर पेट्रोल खत्म ही हो गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो है हम कह सकते हैं कि 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको कितना समय हो गया है? मैं तो अभी अभी आया। अभी अभी आए, लेकिन आपको लगेगा कम से कम 1 घंटा यहाँ? 1 घंटा कम से कम लगेगा। और पेट्रोल पंप्स पर आप गए, यही हालात है? नहीं, अभी मैं पेट्रोल डलवाने के लिए दूसरे पेट्रोल पंप पे नहीं गया, इसी पे आया हूँ। लेकिन कल भी काफी ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए नहीं डलवाया था पेट्रोल। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। देखिए ये जो है व्यक्ति, इनका कहना है कि वो कल भी पेट्रोल पंप पर जो है गए थे और इतनी भीड़ थी कि कल वो जो है पेट्रोल नहीं डलवा पाए, लेकिन अभी आप देखेंगे तो दोबारा से यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हुए हैं उनको खास तौर से देखिए लंबी लंबी कतारों में जो है वो खड़े रहना पड़ रहा है। और हालात कुछ इसी तरीके के हर पेट्रोल स्टेशन पर है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर जो है सब्जियों का सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है, सब्जियाँ महंगी होती जा रही हैं, दूध का सप्लाई कुछ जगहों पर रुक गया है। आप कब से खड़े हुए हैं? 15-20 मिनट हो गए, अभी आधा घंटा और लग जाएगा कम से कम। कितनी बुरी आपको जो है हम लगता है हालत है, कितनी परेशानी हो रही है? वो तो होगी मैडम, इमरजेंसी में किसी को जाना है, पेट्रोल ही नहीं है कैसे जाएगा, हॉस्पिटल जाना है, कहीं पर भी जाना है, जनता तो तकलीफ में आ रही है ना। आपके मतलब इमरजेंसी है लेकिन कुछ हल नहीं है उसका? कुछ नहीं, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से जो है लोग कह रहे हैं कि कुछ इमरजेंसीज होती हैं, सुबह लोगों को ऑफिस जाना होता है, अस्पताल जाना होता है, कई चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसमें जो है खास तौर से अगर आप पेट्रोल पंप आते हैं तो यहाँ पर लंबी कतारें हैं और कई काम इसकी वजह से रुक रहे हैं।